हाँ तो बच्चों, किसी भी स्टूडेंट्स को 10th क्लास में पास होना है आपको। 10th क्लास में पास होना है कि नहीं होना? 10th क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को पास होना है तो ओनली 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आता है ना, इरेशनल नंबर लाइक रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करते हैं, वो क्वेश्चन ढंग से कर लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर सिक्स में बीपीटी से बीपीटी आती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पे क्या है कि जो चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 में मीडियन के अंदर एक्स और वाई निकालता है, मीडियन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए। 3 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होगा? फोर्थ क्वेश्चन है चैप्टर टेन के अंदर 10.1 10.2 थ्योरम है, ये आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर फाइव प्रोबेबिलिटी के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, अ बॉक्स कंटेन 1 to 50 नंबर्स, 1 to 90 नंबर्स, है ना, बॉक्स के अंदर बनते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चे को आना जरूरी है यदि पास होना है तो। आप